As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you. तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान और मैं पहुंच गया हूं राजस्थान के एक गांव में, जो गांव का नाम है हर्षवाड़ा और जो गुजरात से, मतलब गुजरात की जो सरहद है उससे पाँच किलोमीटर की दूरी पर ही है शायद। तो अभी मैं यहां खड़ा हूं और यहां मेरे आसपास पूरा सीम जो बोलते हैं वो सीम है। तो देखो कितनी हरियाली छाई हुई है यहाँ पर। अभी बारिश हुई है तो बारिश की वजह से सब जगह हरियाली हरियाली है। तो बहुत ही खुशनुमा एटमोसफियर है और चिड़िया चहचहा रही हैं यहाँ सभी चारों ओर। एक दिन पहले मैं कच्छ में था, स्कूल जा रहा था बाइक लेके अपनी, और फिर शाम को वहाँ से निकले हम, तो बस में बैठ के पहुँचे अहमदाबाद। पूरी रात ट्रैवलिंग किया, फिर एग्ज़ाम देने के लिए गए। रात को मैं घर आया, फिर सुबह उठ के देखो अभी जा रहा हूँ राजस्थान में। तो दो दिन पहले मेरे पास बाइक थी, फिर नाइट को बस थी, अभी मेरे पास एक्टिवा है और अभी जा रहा हूँ राजस्थान। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने गांव, और देखो यहां पर मेरे गांव में ये जो है ना, एक छोड़ जिसे बोलते हैं, ये बहुत होते हैं, इनके फूल बहुत मस्त होते हैं। ये ज़्यादातर मानसून में ज़्यादा होते हैं। ये देखो येलो कलर की ये होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हमारे यहाँ इसे आवड़ बोलते हैं। तो आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसे, कमेंट ज़रूर करें और बताना कमेंट में। इस टाइप के ये फूल होते हैं। तो ये है मेरे गांव की टंकी और ये है मेरे खेत जाने का रास्ता। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं गांव अपने करवाड़ा। तो अभी मैं जाऊंगा अपने खेत और वहां पर मम्मी पापा शिवांश प्रियांश और बाकी सब भी हो गए। कच्छ से अहमदाबाद 500 किलोमीटर और अहमदाबाद से दानेरा 500 किलोमीटर। ये मेरे गांव का कुत्ता। तो अहमदाबाद से दानेरा 200 किलोमीटर और फिर दानेरा से करवाड़ा 40 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर 500 और 200 700 और फिर ये 40 740 किलोमीटर की दूरी तय की। तो चलते हैं अभी खेत में। रास्ता रेती वाला है, देखते हैं कब तक एक्टिवा एक हाथ से चला पाते हैं। ऐसा लगा तो फिर बंद कर देंगे वीडियो, कभी तो सिर्फ ट्राई तो करना। उसके लिए भाई एक हाथ से चलाना बंद करना पड़ेगा, वीडियो के चक्कर में गिरूंगा और ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पर बारिश आने की वजह से ना पानी बहता है तो रेत ज़्यादा आ जाती है। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, नहीं होगा वीडियो, ड्राइविंग दोनों नहीं होगा। A few moments later, देख लो ऐसे रास्तों पर चलाना बहुत मुश्किल होता है। और ये है मेरे खेत जाने का रास्ता, बहुत ही बढ़िया वाला। तो मानसून की वजह से बहुत ही हरियाली हुई है यहाँ पर। दस की स्पीड पर मैं एक्टिवा चला रहा हूँ
और एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये नज़ारा कहीं और जाना नहीं चाहिए। तो ये है मेरा खेत, मेरा गांव, मेरा घर, मेरे पापा का वतन, और ये आ गया है मेरा खेत। A few moments later. काला चश्मा, हमारा चश्मा, अनुजरा चश्मा। बड़ी मम्मी और मम्मी ये कुछ काम कर रही है यहाँ। इनसे मिलिए, ये है शिवांश कुमार। तो खाने में है देसी घी और रोटी, नीर की सब्जी। दिठुम फिर से आया। दिछुम बस बस बस, हाँ ना जोर से दिछुम। ये गया दिछुम 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 दिछुम। ये आयुष, ये सिमरन, और ये शिवांश, ये सिमी, ये जीव, ये आयुष। कहाँ पे अनु बो अनु क्या कहा? अभी मैं खेत में ही खड़ा हूँ, पीछे सूर्य हवा, गर्मी बहुत है तो मेरी आंखें खुल नहीं रही। तो देखो यहाँ मेरे आसपास सब बाजरी, और ये है बाजरी जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादातर बनासकांठा मेरे गांव के आसपास इलाकों में, और राजस्थान में यहाँ जालौर इलाके में। तो अभी टाइम है शाम के 6, और देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे गांव की पंचायत समिति, और यहाँ पर मेरा भाई वर्क करता है, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत करवाड़ा, पंचायत समिति जालौर। तो यहाँ पर बहुत ही मस्त पेंटिंग की हुई है। ये गांव की आंगनबाड़ी पाठशाला करवाड़ा, अंजीण घर में हो साफ सफाई, उस घर में राम रमे मेरे भाई। तो यह आंगनबाड़ी में ये एक पोस्टर था जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, और बहुत बड़ा मैसेज देके जाता है, बहता नल सूखा कल, नल को खुला न छोड़े, पानी की एक भी बूंद व्यर्थ न बहने दे, समझे हम पानी का अर्थ, एक बूंद भी बने न व्यर्थ। बहुत ही बड़ा मैसेज है और हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो ये मेरे गांव की स्कूल है, और उसमें एक मोरनी है, उसे शायद पता चल गया है कि मैं अभी बोल रही थी और बंद हो गई। वैसे बहुत डिस्टेंस है, मैंने जूम किया है। गिर गया, लगाओ बस। गिर गया। ये है हमारे खेत की बाजरी जो कि यहाँ का मेन पाक है, और वहाँ देखो पीछे डूंगर दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश की वजह से डूंगर पर हरियाली बहुत हुई है, जाने की इच्छा तो है कि मैं जाऊँ वहाँ घूमने के लिए, लेकिन टाइम कम है, आज एक ही दिन है और अभी निकलना है थोड़ी देर बाद। तो पहाड़ पर फिर कभी जाएंगे, एक दिन ज़रूर जाना है। बहुत बड़े पहाड़ नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। और देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मिट्टी का ये बांध बनाया हुआ है। तो इस छोटे से मिट्टी के बांध की वजह से जब बारिश आती है
तो खेत में पानी भर जाता है और यहाँ एक छोटा सा तालाब बनता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी का संचय यहाँ होता है और ज़मीन की सिंचाई भी होती है। तो देखो दूर तक बनाया हुआ है बांध। तो अनुज यहाँ पर तितली पकड़ रहा है, पकड़ो। कहाँ गई ये रही, पकड़ो तितली पकड़ रहे हो। यहाँ सभी नहा धोकर तैयार हो गया है, मेरा भी स्नान हो गया है, अब चलते हैं गांव की ओर। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो घर के सभी सदस्यों को मिल चुके हैं और अभी निकलते हैं गांव। तो वन आवर लेटर अभी हम वापस आए घर पे, मैं प्रियांश और साथ में सब। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।